नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रिश्वतखोर पटवारी काबू, विजिलेंस विभाग ने 2000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इंतकाल की एवज में मांग रहा था रिश्वत। गांव साहूवाला फर्स्ट निवासी गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर की कार्रवाई। आप देख रहे हैं शीर्ष से अमर सिंह जानी की यह रिपोर्ट। विजिलेंस विभाग की टीम ने 2000 रुपए की रिजल्ट रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी इंतकाल के नाम पर 2000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस विभाग ने सवाला फर्स्ट निवासी गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 500-500 के चार नोट लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। आरोपी पटवारी हरबंश लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं विजिलेंस विभाग के अधिकारी गुरमीत सिंह ने बताया कि सवाला निवासी गुरप्रीत ने शिकायत की थी कि उसके पिताजी की मृत्यु के बाद में विरासत का इंतकाल करवाना था, जिसकी एवज में पटवारी 2000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने पर विजिलेंस विभाग ने 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कल उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। मामला है गुरप्रीत सिंह है साहूवाला फर्स्ट का, उसके फादर की डेथ हो गई थी, उसका कोई विरासत का इंतकाल था। उसने शिकायत करी थी, मेरे से पैसे मांग रहे थे 2000 रुपये। शिकायत करी हमने, कार्रवाई करी, उसमें रेड करी है सर, उसके 2000 रुपये जो 500-500 नोट के उसके दिए थे वो बरामद हो गए इससे 2000 रुपये। मगर कार्रवाई तो इसकी जो भी है पूछताछ के बाद में जो हम कार्रवाई करें पेश के अदालत कराई जाए कल।